भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा ओडीआई मुकाबला भी खत्म हो चुका है, जहां इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ये फैसला रोहित शर्मा का सही साबित हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट न्यूजीलैंड की गिरती गई, जहां ग्लेन फिलिप्स ने 36 रन का योगदान दिया और माइकल ब्रॉसली ने 22 रन का योगदान दिया, जबकि मिचेल सेंटनर ने 39 गेंदों में 27 रन की पारी खेली, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम 34.3 ओवर में 108 रन पे आउट हो गई, जबकि गेंदबाजी में शमी ने 3 विकेट ली और 1 विकेट सिराज और 1 विकेट शार्दुल ठाकुर को मिली, जबकि हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट ली और वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट ली, जबकि 108 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम से सलामी जोड़ी शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने आए, जहां रोहित शर्मा ने 49 रन की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल नाबाद 40 रन की पारी खेली। विराट कोहली ने 11 रन बना के आउट हुए, जबकि ईशान किशन 8 रन बना के नाबाद रही। इस मैच को 20.1 ओवर में भारतीय टीम ने जीत लिया है, जबकि इस मैच में मैच को 8 विकेट से भारत ने जीत लिया है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो